हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। तो अगर चैनल पर न्यू आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ रितु यादव, ऑफिसर रितु यादव, जिनके सपोर्ट में मैंने अभी हाल फिलहाल में 2 वीडियो बनाई थी और मैं पहले भी उनको कई बार सपोर्ट कर चुकी हूँ क्योंकि, लेकिन आज मैं रितु यादव को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। आज मुझे उनकी कोई बात गलत लगी तो मैं बोलूँगी। रितु दीदी, हो सकता है कि आपको मेरी ये बात बुरी लगे, लेकिन मेरी आदत यही है कि जहाँ पर अगर कोई बंदा गलत होता है ना तो मैं उसको टोक देती हूँ, चाहे वो मेरा अपना ही क्यों ना हो। मेरा मैं आपको हमेशा सपोर्ट करती हूँ, आपको पता है, हमेशा आपके सपोर्ट में वीडियो बनाती हूँ क्योंकि मैं आपका दर्द जो है ना वो समझ सकती हूँ कि आपको कितना दर्द है, आप किस दिक्कत से गुजर रहे हैं, इसलिए मैंने आपके सपोर्ट में वीडियो बनाई। लेकिन मुझे पता है GLT में कि आपको पैसों की ज़रूरत है, आपको पैसे चाहिए क्योंकि आप का जो कर्जा है वो काफ़ी बड़ा है, उसकी अमाउंट काफ़ी बड़ी है, तो उसकी किस्त आपको देनी है। ऊपर से बहुत सारे खर्चे हैं घर के भी। लेकिन आपने जो अब ये नई वो चलाई है ना, मतलब कि पैसों के लिए, ये देखो लोग आपको वीडियो देखते हैं, आपकी वीडियो को वॉच करते हैं, तो आपके अगर लोग आपकी वीडियो को देखेंगे, आपकी वीडियो को वॉच करेंगे, तो YouTube से आपके अपने आप ही पैसे आ जाएंगे ना। लेकिन मुझे पता है कि आपको ये बात कहीं ना कहीं बुरी लग सकती है, लेकिन मेरी आदत यही है कि जहाँ पर कुछ गलत होता है तो मैं बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे ना गलत नहीं बर्दाश्त बिल्कुल भी होता, क्योंकि मुझे मुझे नहीं पता कि आपने ये सोचा नहीं सोचा, लेकिन मैं YouTube पर भी आपसे पहले से हूँ तो मुझे पता है कि कितनी, मतलब YouTube की कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पता है। जैसे कि आपने बोला है लोगों को कि मैं आपकी कम्युनिटी पोस्ट कर दिया करूँगी, जिसको भी ज़रूरत हो मैं उसकी कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सच में, ऐसे भाई बहन हैं बहुत सारे जिनके आज तक YouTube पर 2-2 साल से काम कर रहे हैं और उनका आज तक बहुत टाइम ये सब्सक्राइबर्स पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन इस चीज़ में ना देर लगती है। जो कहते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो आपने बोला है कि मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दिया करूँगी आप लोगों की, और उसके बदले में आप मुझे 100-100 रुपये डाल दिया करें मेरे, मतलब कैसे भी डालते हैं 100-100 रुपये कर दिया करें, उसके बदले में 100 रुपये लेंगे आप। तो मैं सिर्फ देखो, मुझे ना इस चीज़ से दिक्कत नहीं है कि देखो मैं तो पैसे नहीं दूँगी, मैं तो पैसे नहीं जा रहे ना, पैसे तो वो लोग दे रहे हैं और आप लोग पोस्ट कर रहे हैं, तो वो आप मुझे उसमें क्या मतलब। लेकिन मुझे ना यहाँ पर ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि आप समझना मेरी बात को, मतलब कि निगेटिव वे में ना लेकर पॉजिटिव वे में सोचना कि किसी की भी कम्युनिटी पोस्ट करने से, जैसे मैं ही हूँ, मैं किसी की कम्युनिटी पोस्ट कर दूँ तो नहीं सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, नहीं व्यूज आते हैं, क्योंकि व्यूज असली व्यूज वो होते हैं जो लोग देखना पसंद करते हैं, असली सब्सक्राइबर वो होते हैं जो लोग देखना पसंद करते हैं। अगर आप किसी की कम्युनिटी पोस्ट कर रहे हो तो जो अगर आपके बारे में कोई वीडियो बना रहा है, मतलब कि रितु दीदी को ये प्रॉब्लम है या फिर रितु दीदी ने ऐसा किया, तो चूंकि वो आपके सब्सक्राइबर हैं और आपके बारे में सुन रहे हैं तो वो उस वीडियो को वॉच करेंगे। जैसे कि आपने मेरी कम्युनिटी पोस्ट की तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, तो लोग देखेंगे कि भाई इसने वीडियो, तो लोग वो वीडियो देखते हैं कि इन्होंने रितु यादव के ऊपर वीडियो बनाई है, तो रितु यादव ने शेयर किया, तो उसमें रितु यादव के लिए इन्होंने बोला क्या है। लेकिन अगर आप किसी की वैसी वीडियो शेयर करोगे कि किसी की, मतलब किसी की मतलब किसी भी ब्लॉग वगैरह शेयर करोगे, तो लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उनको अगर वो देखनी है तो वो वैसे ही उनके चैनल पर चले जाएंगे, और ऐसे लोग बाग नहीं देखेंगे किसी की वीडियो। ये मतलब मैंने देखा है कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताती हूँ, इंडियन यूट्यूबर कंचन धवन आप जानते हैं, तो एक और यूट्यूबर है अमृतसर ब्लॉगर शशि वर्मा। तो जब शशि वर्मा हैं, उनके भी हस्बैंड की डेथ हो गई है, और तो उन्होंने वीडियो अपलोड की थी, तो वो वीडियो उन्होंने कहा था कि उनको शेयर करने के लिए कंचन को, तो कंचन ने वो वीडियो शेयर की, तो उस वीडियो पर 8000 व्यूज आ गई उनकी, क्योंकि उसमें दुख की बात थी, उनके हस्बैंड नहीं थे। लेकिन आज के टाइम पर उनकी वीडियो में 100 व्यूज भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि लोग जो किसी की शेयर करने से, किसी के बारे में बताने से उसके चैनल पर नहीं जाते हैं,
लोगों को जो अच्छा लगता है लोग खुद अपने उससे उनके चैनल को ओपन करते हैं, अपनी खुशी से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लोगों की वीडियो देखते हैं, ना कि किसी के शेयर करने से। हाँ, क्योंकि मुझे ना सिर्फ इस बात पर ही वो मुझे ऐसा एतराज नहीं है, क्योंकि नर्तक मैं तो पैसे नहीं दे रही हूँ ना, मैं शेयर कर रही हूँ। मैं भी बहुत सारे लोगों की वीडियो शेयर कर देती हूँ, लेकिन मैं बिना ऐसे नहीं कि मुझे पैसे ले करती हूँ, मैं भी ऐसे शेयर कर देती हूँ बहुत सारे लोगों की वीडियो। लेकिन वो वीडियो चलती कौन सी है? सिर्फ वो वीडियो चलती है जो टॉपिक पर मैं वीडियो बना रही हूँ और उस टॉपिक मतलब वो टॉपिक ट्रेंड में चल रहा है। एकदम भागीरथी जी के ऊपर वीडियो बनाई थी मैंने, तो मैं अगर किसी के डेली व्लॉग शेयर करती हूँ तो वो नहीं चलता, कम्युनिटी करती हूँ। लेकिन अगर मैं किसी ने भागीरथी जी के ऊपर वीडियो बनाई हूँ और मैं उसको शेयर कर दूँ तो वो उसकी वीडियो चल जाती है। तो लोगों का जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, लोग उस चीज़ को देखना पसंद करते हैं। कि जैसे आप अगर किसी से 100 रुपये ले रहे हो और कोई आपसे वीडियो शेयर करवा रहा है, तो आप तो शेयर करोगे, आपके अकाउंट में 100 रुपये भी जाएंगे, पर उस बंदे की वीडियो नहीं चलेगी, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। नहीं देखते हैं ऐसे लोग, क्योंकि जैसे कि कहते हैं ना ऐसे कहलवाने से कि भाई इसकी वीडियो शेयर कर दो, या हमने अपने मोबाइल से शेयर कर दी, अपने पति के मोबाइल से कर दी, फिर हमने अपने फ्रेंड के, चाचा के, ताऊ के, सबसे मोबाइल से इसका किसी चैनल सब्सक्राइब कर दिया, तो उससे फायदा क्या है? उससे फायदा कुछ नहीं होता है। फायदा जब होता है जब पब्लिक आके खुद जुड़े, पब्लिक को उस चीज में इंटरेस्ट आए और पब्लिक आके खुद जुड़े उस चीज से, तब तो फायदा है उस चीज का। अदरवाइज हम खुद कह कह के लोगों से कि भाई इसका वीडियो देखो, ये वॉच टाइम पूरा करवाना है, ये करवाना है, तो लोग नहीं इंटरेस्ट लेते। जब लोगों को इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज को देखने में, तो लोग उस चीज को देखेंगे क्यों? तो इसलिए कहती हूँ कि अगर हम खुद मेहनत करके वीडियो बनाएंगे, या जो हमारे पास ऑटोमेटिक हमारे सब्सक्राइबर या व्यू जाएंगे, तो वो चलते हैं। ऐसे कम्युनिटी पोस्ट कर देने से किसी की वीडियो नहीं चलेगी, या फिर चलती है कि बहुत ज्यादा किसी चीज में कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है इसकी या उसकी, तो हम उस कंट्रोवर्सी को दिखाएं तो चलती है, ऐसी वीडियो नहीं चलती। बाकी आपकी मर्जी, मैं तो सिर्फ एक मेरा ये बात मेरे अंदर चल रही थी, तो ये बात मैंने आपसे सिर्फ शेयर की, और रही आपकी मदद की बात, तो देखो मैंने हर मुमकिन कोशिश की है कि आपकी मदद हो। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर है जो आपकी वीडियो देखने के लिए गए हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने आपकी वीडियो को शेयर भी किया है और आपके चैनल पर आपको भी सब्सक्राइब किया है, क्योंकि लिखता है लोगों की आपको हेल्प की जरूरत है। मैंने भी बोला है कई बार आपको हेल्प की जरूरत है, तो आप इसको गलत वे में ना लेके अगर अच्छी वे में सोचिए तो शायद आपको मेरी बात अच्छी लगेगी, तो अदरवाइज गलत लगेगी कि मेरा 100 रुपये दुआने बंद कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही 100 रुपये दुआने बंद कर रही हूँ, 100 रुपये जो आपने जो चार्ज लिया है कम्युनिटी पोस्ट करने का वो आप लें, जो लोग दे रहे हैं वो देंगे भी, मेरे कहने से रुकेंगे नहीं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि ऐसे कम्युनिटी पोस्ट करने से ना तो किसी का चैनल आगे बढ़ता है और ना ही किसी को गेन मतलब प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट जब ही होता है जब हम किसी कोई हमारे चैनल पर अपने आप आए, अपने आप देखना पसंद करे हमारे चैनल को, अपने आप सब्सक्राइबर आए, तो होता है। अगर बुरी लगी हो आपको तो उसके लिए सॉरी, दिल से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मेरा नेचर ऐसा ही है कि मुझे जो बात गलत लगती है तो मैं उसको बोल देती हूँ फेस पर ही, ये नहीं कि पीछे उसको छुपा रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। चलिए करते हैं बिल्कुल यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको एक अच्छे से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। अगर चैनल पर न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं।